मंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव की मतदान कल ही होकर चुके हैं और कई चीजें, बहुत सारी, हम लोग भी गए मतदान केंद्रों पर, बहुत सारी चीजें सामने आई जिन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और हमारे मार्गदर्शक और डीएलए के प्रभारी चंद्र प्रताप सिंह चक्रवार। चक्रवार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है आगरा और मथुरा का, आपने कई सारे चुनाव आपने देखे हैं और कई बार हमने देखा आपके लेख, मैंने भी पढ़े थे, आपका जो विश्लेषण जो आता है चुनाव का बिल्कुल सटीक आता है और बिल्कुल मेल खाता हुआ आता है, लेकिन इस बार कुछ मामला अलग सा नजर आ रहा है। सबसे बड़ा मामला नजर आ रहा है जो कल हमने देखा, गड़बड़ी मतदाता सूचियों में। कई बार आरोप लगे हैं कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की गई है, फलाने पक्ष द्वारा की गई है, फलानी पार्टी द्वारा की गई है, फलानी पार्टी ने मेरे पूरे मोहल्ले के नाम उड़ा दिए, फलानी पार्टी ने मेरे इस तरह नाम उड़ा दिए। और होल सोल जब हम मथुरा में गए तो सवाल यह रहा कि उस पार्टी के फलाने पदाधिकारी ने या जो अपना माता रखने वाले हैं उन्होंने सूची गायब कर दी। पूरा मामला है, क्या आपको लगता है सूची गायब की गई या कोई गड़बड़ कुछ और है? देखिए, जहां तक मेरा एक अनुभव की बात है, मैंने ढाई दशक में पहली बार ऐसा देखा है इस चुनाव में कि इस चुनाव की जो वोटर लिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा अस्त व्यस्त दिखी हैं और वो वोटर लिस्टों में एक एक मोहल्ले गायब हैं। एक नहीं, कल जो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के नाम गायब हैं और वो पता ही नहीं चल रहा है। लोगों ने जो है सड़क पर आकर के प्रदर्शन भी किया, सराय आजमाबाद में लोग जो है सड़क पर निकल आए, इसके अलावा कई जगह हंगामा भी हुआ, शहर में ज्यादा हुआ है, मथुरा शहर में कुछ थोड़ा सा वृंदावन गड़बड़ी तो आउटर में मिली है, आउटर में यानी हमारे जो नगर पंचायतों में जो मतदान हुआ है वहाँ भी गड़बड़ी है। अब इसकी कई वजह है। देखिए, आरोप तो इसमें भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है कि वो सत्ता में है, उनके लोगों ने नाम को कटवाया है, बिल्कुल लग रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि हम डीके क्षेत्र में पहुंचे तो हमको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक नहीं, दो नहीं, चार चार पांच पांच मोहल्ले उड़ गए जिनके घर में 14 सदस्य थे, 14 वोट थे, उनमें से मात्र दो लोगों का ही वोट वहां उसमें मतदाता सूची में नाम लिखे दिखाई दिए, बाकी 12 के 12 उड़ गए। हम वहां पहुंचे तो लोगों ने हमें घेर लिया और खासकर मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है डीगेट क्षेत्र, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग, सही बात है, वो कांग्रेस का गढ़ है और वहाँ इस्लामिया और जैन इंटर कॉलेज में वो पूरा जो दरेसी क्षेत्र के जो मुस्लिम हैं, जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं, वो वोट देते हैं और वहाँ वोट न पड़ना और वहाँ मुस्लिम जो समाज के लोगों का वोटर लिस्ट में नाम न होना, तो सीधे सीधे से भाजपा के पर आरोप है कि भाजपा के लोगों ने कटवाया हुआ। बिल्कुल यही आरोप। मेरा मानना दूसरा है, ये जो गड़बड़ियाँ हुई हैं इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो बीजेपी के लोगों ने कराया, कई वार्ड ऐसे हैं जहां बीजेपी के समर्थकों के पूरे मोहल्ले कॉलोनी के वोट गायब है, जो जहां भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से कहना चाहिए वोट थे वो भी गायब हो, तो ये नुकसान ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का हुआ हो, जो मेरा अपना मानना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी हुआ है, उनके सपार्षद पद के जो प्रत्याशी हैं उनका भी हुआ है, मेयर पद के प्रत्याशी को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है, दोनों ही पार्टी, तो ये सब पूरी गड़बड़ी हुई है। इसकी मेन वजह ये है जो मैंने अभी तक दो दिन के अंदर मामला ये है कि ये राज्य निर्वाचन आयोग ने ये चुनाव कराए थे, भारत निर्वाचन आयोग का मैंने पहले भी बताया कि वो सिस्टम एक बिल्कुल फेयर होता है, हर 6 महीने उनकी अपडेट होती है सूचियां और वो उसमें नाम बढ़ते हैं, घटते हैं और संशोधित होते हैं, वो एक अलग चीज हो गई। ये जो चुनाव है राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की 2-1.5 महीने पहले, अचानक ही तब तक जो है वोटर लिस्ट भी अपडेट नहीं हो पाई थी और चुनाव की घोषणा हो गई, और वोटर लिस्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण था परिसीमन, और मथुरा में तो परिसीमन इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि ये नगर निगम की सीमा में आया, इसमें बहुत सारे 31 ग्राम पंचायत आई है और वृंदावन का 1/2 हिस्सा आया, वृंदावन 1/3 रह गया, तो जो एक तो वो अव्यवस्था थी, तो उसमें जो जैसे ही डिक्लेयर हुआ नॉमिनेशन उसका नोटिफिकेशन चुनाव का, तो उसके बाद जब पर्चा भर रहे थे तो उस समय देखा गया कि इसमें तो बहुत सारे नाम नहीं है, डीएम पर दबाव बनाया गया, डीएम ने आदेश दे करके उन्होंने कहा कि जब तक वोट पड़ेंगे तब तक हम और जो है इसको फेयर कर देंगे और उसमें जो नाम छूट गए वो रह जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा, जितने नाम बढ़ने चाहिए थे और उनसे कम हो गए। कल मैंने ये खुद देखा सेक्रेड हार्ट मोतीकुंज में, एक वार्ड कमरे में 7 नंबर कमरे में जहाँ पोलिंग चल रहा था, तो मैंने पूछा मैंने कितने वोट पड़ गए, शाम को 5 बजे बताया 165 वोट पड़े हैं 14 में से,
हमने पता किया कि भाई बात क्या है। तो वो नटवर नगर के जो वोट थे उस रूम में, वहां 1000 वोट किसी और दूसरे मोहल्ले के या वार्ड के जोड़ दिए गए, जोड़ दिए गए उसमें। अब उसमें ऊपर तो आ रहा है नटवर नगर, और जो नीचे नाम है वो कहीं दूसरी जगह के, उनके मकान संख्या है, अब उसको कोई पता ही नहीं लगा सकता है। इतना पेचीदा काम होता है ये, एक थर्ड ग्रेड के एक बीएलओ के लिए काम करना, एक मोहल्ले में ये पता लगाना कि कौन व्यक्ति कहाँ है, किसका मकान कहाँ पे है, बड़ा टफ काम है। ये इतना जल्दी आनंद फानंद में हुआ है, तो ये चूक कहाँ, चूक कहाँ से हुई? सवाल यही, बात यही आ रही है कि चूक कहाँ से हुई? चूक अगर यहाँ से नहीं हुई तो चूक आखिर कहाँ से हुई? क्या ये माना जाए कि प्रशासन ने शासन के दबाव में आकर हड़बड़ी में इतना सब कुछ किया? हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश था ना, वहाँ से जो नोटिफिकेशन हो गया कि भाई इस तारीख में पर्चा भरे जाएंगे, इस तारीख में चुनाव होना है, एक प्रक्रिया शुरू हो गई। अब प्रक्रिया शुरू हो गई, यहाँ जिले में अपने जनपद की हम बात करें, यहाँ अधूरी थी सूचियाँ। जब सूची अधूरी थी और वार्ड पर्सीवर भी जो है फाइनल नहीं था और उसमें आपत्तियां ली जा रही थी, तो सब घालमेल हो गया। ये हुआ, ये तो आप सूची की गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात मान ली। सुभाष इंटर कॉलेज में कल हम गए तो हमें पता चला कि अंदर बाहर जो बीएलओ है वो सूची अपनी देखकर मतदाताओं की पर्ची काट रहा था, लेकिन जब वो वही मतदाता अंदर अपना पर्ची लेकर गए तो वहां दूसरी सूची थी, उस सूची में उस मतदाता का नाम ही नहीं था। तो ये क्या गड़बड़ी, दो तो सूची आकर कैसे गई? बिल्कुल सही बात है, ये बात भी कई जगह सामने आई है। हुआ ये है कि इतनी ज्यादा जल्दी में हड़बड़ी में ये सब हुआ है, जो जिस वक्त नॉमिनेशन हुआ है, पर्चा दाखिल हुए हैं, उस वक्त सूची दूसरी थी, और जिस समय वोटिंग हुई है अब, उस समय 3 दिन पहले ही वो सूची दूसरी निकली, तो जल्दी में पहली वाली सूची भी आ गई, उसमें कुछ लोगों के नाम थे, दूसरी वाली सूची में नहीं थे। कहीं कहीं इस वाली सूची में नाम थे, पहली वाली में नहीं थे। कई लोग तो हमको ऐसे बताए गए जिन्होंने पर्चा दाखिल किया पार्षद पद के लिए, और उन्होंने वोटर लिस्ट में स्वाभाविक है नाम पर्चा दाखिल किया है कि फलानी जगह का वोटर है, अब उसका नाम नहीं, वोट देने वाली जो लिस्ट थी उसमें नाम ही नहीं है। कई जगह ऐसा हुआ है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो उन मोहल्लों में ज्यादा हुई है जो अंदर कंजेस्टेड है, या जो जो ज्यादा उनका मतलब एक पॉश कॉलोनीज नहीं है, वहां ज्यादा दिक्कत हुई है ऐसे लोगों के। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का जो दबाव प्रशासन पे आया, बात मानी जा सकती है, प्रशासन में दबाव आया तो प्रशासन ने जल्दबाजी में सब कुछ किया, लेकिन आप यकीन मानिए कि इस ये प्रयास में, इस हड़बड़ी में हजारों वोटर ऐसे थे, हजारों ऐसे युवा मतदाता जिनको पहली बार वोट करने का चांस मिला था, वो वोट की चोट नहीं दे पाए, और लोग इतने अफसोस, क्योंकि ये एक अफसोस बड़ा होता है उनका, और वो उनका क्या सोच में दर्द दिया जाना चाहिए, गलती किसकी है, इसका भुगतान कौन करेगा? और पब्लिक मतदाता चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, उनकी बात को जवाब देने वाला कोई नहीं, कौन जिम्मेदार है सबका? सोशल मीडिया पर भी लाता हूँ, और मैंने कल एक पोस्ट भी किया था फेसबुक पर, मैंने ये कहा था कि भाई आप लोग मतदाता जागरूकता के साल साल भर अभियान चलाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर बैनर छपाते हैं और अखबारों में जो उसके एड निकलते हैं, जागरूकता के कार्यक्रम होते हैं, जागरूकता की बात कर रहे हैं, पब्लिक जागरूकता की बात कर रहे हैं। लखनऊ में गड़बड़ी पाई गई, लखनऊ में जब गड़बड़ी पाई गई उसका मामला उजागर हुआ तो बीएलओ सस्पेंड किए गए, तमाम कार्रवाई की गई, पूछताछ की गई, तमाम जो है उनका जो उनको हाजिर कराया गया कि क्या गड़बड़ी है, यहाँ ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, कौन जिम्मेदार है इसका? बिल्कुल सही बात, लखनऊ में जो अभी हाल ही में जो वोटिंग हुई है उसमें भी ऐसी ही गड़बड़ियां मिली हैं, वहां के वहां तो कार्रवाई हो गई, या कुछ वो राजधानी है, राजधानी का डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ, तो वहां राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम को तलब किया है, और तलब करने पर क्या हुआ है कि वहां डीएम तो भी तो फोकस है, डीएम ने अपनी एक तरीके से बचाव, कितना गुस्सा, अगर सरकार के प्रति आप यकीन मानिए, सरकार के प्रति इस मामले को लेकर गड़बड़ी कहीं भी हुई हो, ये बात मैं हम आपको बता रहे, गड़बड़ी कहीं भी हुई हो, लेकिन आम मतदाता के मन में जो भावना उत्पन्न हुई है वो सरकार के प्रति तो हुई है, पार्टी के प्रति हुई है, और सरकार के प्रति, सरकार कैसे लोगों ने हमसे क्वेश्चन किए, हम जवाब नहीं दे पाए, आपके प्रति क्वेश्चन का जवाब किससे मांगे? मेन बात तो यही है कि सरकार से थोड़ा सा हट करके, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग, वो तो राज्य सरकार के ही साथ काम करता है, राज्य निर्वाचन आयोग की गड़बड़ी है मेनली, और राज्य निर्वाचन आयोग, जैसे मैंने पहले कहा कि डीएम ने अपने बचाव के लिए 3 बीएलओ को सस्पेंड कर दिया, और जो मजिस्ट्रेट थे उनसे जवाब तलब कर लिया, ये प्रक्रिया हो गई छुट्टी, अब उसमें 20% लोगों के रह गए। कलराज मिश्रा जो एक्स मिनिस्टर हैं, वो तब वोट डालने के लिए दिल्ली से आए और वोट डाले बगैर चले गए, न जाने कितने वहाँ जो विशिष्ट लोग हैं उनके वोट रह गए। यहाँ हमारे यहाँ मथुरा में जैसे पहली अभी चर्चा हो रही थी, जो हमारे यहाँ जो
एकदम वहाँ पौशला का कहलाता है, बहुत सारे लोगों के वोट रही है, बहुत सारे लोगों को वोट रही है, कौन कहे किस कहां से। विधायक प्रदीप माथुर ने तो सीधा सीधा पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने सीधा सीधा बयानबाजी अखबार में की है कि मुस्लिम समाज की वोट गायब कराई गई वहां से, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या हकीकत है। देखिए ऐसा है, ये तो राजनीतिक बयान तो है लेकिन इसमें सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी सामने आई थी, क्योंकि लोगों का सत्ता पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा पिछले साल ऐसी बातें आई थी कि जो परिसीमन हो रहा है वो उसमें कुछ खास भाजपा के लोग लगाए गए कि भाई इस तरह के परिसीमन कराइए कि बाढ़ में हमारी जीत सुनिश्चित हो जाए। बाद में कुछ गड़बड़ियां हुई जरूर है, ये जांच का विषय है, लेकिन ऑल ओवर जो प्रशासन की गड़बड़ियां जाता है, जो मेरा अपना तो कौन दोषी है, जनता की जनता मत का प्रयोग नहीं कर पाई अपने संविधान, इसमें तो प्रशासन दोषी है और उसमें जो है चीज जांच होनी चाहिए कि भाई कैसे नहीं नाम बढ़े। लेकिन नहीं, उसमें सचों की बातें बैठी हुई, अब उसमें जो है एक कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। बीएलओ जो एक पूरे एक बाढ़ के लिए एक या दो लगाए जाते हैं उसमें ज्यादा लगा देते, ये काम करना चाहिए था, उस फेयर होता, ये काम होना चाहिए था 6 महीने पहले, तब जाकर नवंबर होता, या अब उनसे कह दिया जाता कि भाई हम चुनाव कराएंगे मार्च में, और मार्च में चुनाव कराते हैं तो तब तक बहुत कुछ फेयर हो जाता, बहुत सारे लोगों के वोट जो तो है। इससे तो सत्तारूढ़ पार्टी और जो सत्तारूढ़ पार्टी है यहाँ सत्ता में काबिज है उसके प्रति लोगों में जो आक्रोश पनपा है उसका क्या करेंगे आप? हाँ, उसका जवाब कौन देगा? देखिए जो वोट नहीं पड़ पाए हैं वो चाहे कोई भी हो, आम जनता आम वोटर के वोट नहीं है, इसका जो है अपयश भाजपा को झेलना पड़ेगा, बिल्कुल झेलना पड़ेगा। पार्टी कह रहे हैं पर ही आरोप, आप मतदाता का मुंह नहीं रोक सकते आप, फिर भी हम कह रहे हैं कि कटवाए गए हैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ज्यादा प्रशासन की कमी है, जल्दी हड़बड़ी में ये सब हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कितना जल्दी जल्दी आनंद फानंद में नोटिफिकेशन किया, तैयारियां हो नहीं पाई, और हो सकता है कि वहाँ ऊपर लेवल पर गवर्नमेंट में श्रेय लेने के लिए जल्दी हम करा रहे हैं, ये सब हुआ है। और इसमें अब क्या कर सकते हैं, अब वो लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि भाई वो वोटर लिस्ट से हम वोट देना चाहते हैं जो नॉमिनेशन के समय थी वो भी नहीं दी गई, और अधिकारी भी इस बात को समझ रहे थे और उनके गले उतर रही थी इनकी शिकायतें पब्लिक की कि वोट नहीं है, लेकिन वो क्या करें, असहाय थे। बहुत कुछ कंट्रोल राज्य निर्वाचन आयोग का रहा और उन्होंने किसी की नहीं सुनी, तो ये पहली बार हुआ है मेरे अपने। तो क्या इस गड़बड़ी का असर सभी पार्टियों को नहीं पड़ेगा? मैं बात सिर्फ भाजपा की नहीं कर रहा, मैं बात कांग्रेस की भी कर रहा हूँ, मैं बात समाजवादी पार्टी की कर रहा हूँ, मैं बात जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बसपा के भी बहुत सारे वोट कटे हैं, गायब हुए हैं और मतदाता सूची में उनके नाम नहीं रहे। जो वोट जिन वोटर्स के नाम नहीं है वो सभी दलों के समर्थक होंगे जहाँ तक है, जैसे आपने बोला दरेसी तो स्वाभाविक है, वो कांग्रेस का बाउल है, तो वो तो उन्होंने देख ली, लेकिन आप सदर में जाइए और दूसरी जगह पे जाइए, आप बालाजीपुरम जाइए, हाईवे जाइए, और जो रूरल में जो गाँव अमेरिका नगर है सब जगह यही स्थिति रही है। ये यहाँ कुछ ज्यादा रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है तो मथुरा में, उसकी वजह ये है कि यहाँ नए सिरे से परिसीमन हुआ, नए सिरे से बाढ़ बने, और नए सिरे से जब बाढ़ बने और उनका जो बाद में ऑब्जेक्शन दिए गए तो बाढ़ों में हेरा फेरी की गई, उधर उधर किए गए, कुछ मोहल्ले उधर काट के, तो इसीलिए वोटर लिस्टों में इधर उधर करने में ये सब, तो इसका भुगतान तो करना पड़ा जनता को, इसका भुगतान करना पड़ा आम मतदाताओं को, क्या मतदाता दोषी है इसके लिए? नहीं, मतदाता कोई दोषी नहीं है, ये तो जो है इसमें अगर कोई न्यायालय में अगर रिट दाखिल करता है तो इस पर विचार हो सकता है, दोबारा चुनाव हो सकते हैं, जो अगर चाहे तो वैसे, हालांकि निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन ये मामला बड़ा विचित्र है कि लोग वोट नहीं दे पाए, और ये फेस का चुनाव है, फेस टू फेस चुनाव होता है, इसमें अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए लोकसभा में आप भले ही वोटर लिस्ट में से उड़ा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये तो व्यक्तिगत संबंध जिससे होते हैं उसको वोट देते हैं, उसको कैसे दे पाए, प्रत्याशी को घरवाले मन महसूस कर रहे हैं, प्रत्याशी को घरवाले वोट नहीं दे पाए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी विचित्र और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इस पर जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी अफसोस वाली बात की हजारों लोग अपने मत के प्रयोग से वंचित रह गए, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब रह गई, अब उसमें जो है हम तो यही कहेंगे कि भाई इसकी मामले की जांच हो और रिपोल हो, यही कह सकते हैं, और जैसा लोग कह रहे हैं और लोगों की आवाज़ आ रही है, बहुत सारे लोग रह गए मन महसूस कर रहे हैं, वो हमने देखा कि कल जो है किस किस तरीके से लोग लड़ रहे थे, और यहाँ के अधिकारी भी जान रहे हैं इस बात को कि ये अपनी बात सही कह रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं, उनके कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, लेकिन बात इतनी सी है कि जनता की आवाज़ है दूर तक जाएगी, क्योंकि बहुत भारी गड़बड़ी हुई, हल्की फुल्की हुई। इसका मैं समझता हूँ
दोष भाजपा पर मढ़ा जा रहा है, बिल्कुल मढ़ा जा रहा है, लेकिन आप बता रहे हैं राज्य सरकार का है खामियाजा भुगतना होगा, ये तो आगे आने वाला क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाजपा को। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि इसमें भाजपा का दोष नहीं, इसमें भाजपा को भी नुकसान हुआ है, नुकसान कांग्रेस को भी हुआ है, अन्य पार्टियों को भी नुकसान हुआ है, जैसे बसपा और सपा भी आप बात कर रहे हो पार्टियां हैं यहाँ पर। लेकिन सवाल इस बात का है कि आम मतदाताओं को आप कैसे संतुष्ट कर पाएंगे इस बात को लेकर कि आखिर दोषी कौन है। आम मतदाता तो यही कह रहा है कि फलानी पार्टी के प्रभाव में आकर अधिकारी नहीं कर दिया, किस किस के जो है समझाएंगे, किस किस का बंद करेंगे। भाई आम मतदाता है वो कोई वो सारी बातें नहीं जानता, कोई नेता हो या कोई आम मतदाता तो अपने घर से दुकान के बीच है या घर से खेत के बीच में रहता है, वो तो जानता नहीं है ना, वो उसे पब्लिकली कोई मतलब नहीं, तो वो उस तो मन में यही बनाए हुए कि साहब हमारा तो नाम जानबूझ के कटवाया गया है। तो यही बात चल रही थी, बस तो यही बात चल रही थी इसी बात को लेकर हम चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये बात बहुत अहम मुद्दा बनी हुई है आम मतदाताओं के बीच में, क्योंकि आम मतदाता इस बात को लेकर खास आक्रोशित है, इसलिए हमने इस पर आपसे चर्चा करना उचित समझा और आपने हमें इसका सही बता जवाब भी दिया कि इसमें दोष जो है किसी पार्टी का नहीं है, दोष राज्य निर्वाचन आयोग का है, क्योंकि उन्होंने प्रशासन में जवाब एक चीज और अहमद जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो वोटर है टोटल 6 लाख जैसे मथुरा शहर का ही है, 6 लाख वोटर जो मेरा अपना मानना है वो वोटर लिस्टों में तो है, कहीं वोटर लिस्ट में सपोज करिए बालाजीपुरम है, बालाजीपुरम में 1000 दूसरे वार्ड के जुड़ गए, तो उनको ये नहीं मालूम बालाजीपुरम के लोगों को ये नाम किसको कैसे पता लगा पाएगा, लेकिन नाम उसमें ऊपर उसी मान लिया आपकी बात को कि वो नाम जो मतदाता समझ रहा है वो उसमें नहीं है, लेकिन वो दूसरे परिसंघ की लिस्ट में चला गया है, लोग क्या आकाशवाणी थोड़ा होगी, अगर ऐसा हो जाता अगर पता चल जाता कि फलाने वार्ड में मेरा नाम वहां अंकित हो गया तो वहां भी अपने मत का प्रयोग कर सकता था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। हम चर्चा कर रहे थे चुनावी चर्चा और चुनावी गड़बड़ झाला जो चल रहा था उसको लेकर हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं चंद्र प्रताप सिंह अग्रवाल, उन्होंने हमारी जो भ्रांति जो चली आ रही है लोगों के बीच में आम मतदाताओं के बीच में जिसको जिनकी बातों को लेकर मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया, उसमें बहुत सारी भ्रांति को आपने दूर किया और जैसा कि मैं समझता हूँ कि हमारे आम मतदाता जो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सके हैं वो इस बात का मुगालता ना पाले कि किसी पार्टी विशेष के कहने पर ये सब गायब किया गया, ये राज्य निर्वाचन आयोग की गड़बड़ी थी जिसके दबाव में प्रशासन ने इतनी जल्दबाजी की और आप अपने मत का प्रयोग करने से रह गए। तो मंच न्यूज में फिलहाल इतना ही, फिर आऊंगे आपके सामने हाजिर, नमस्कार।